शांति। ज्ञान का सागर, जानी जाननहार, त्रिकालदर्शी, हमारा मीठा शिव बाबा, हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि स्वयं भाग्य विधाता होने के बावजूद भी, हमारा भाग्य उज्जवल बनाने के बावजूद भी, हमें आने वाली विपरीत परिस्थितियों का न केवल बोध कराते हैं, अपितु उनका सामना करने की विधि व शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो आज की मुरली भी अंतिम दर्दनाक सीन को हम कैसे देखें, उस समय हमारी आंतरिक स्थिति कैसी हो, कैसे हम अंतिम समय के पेपर को पास कर सकें, वो यथार्थ विधि, उसका यथार्थ ज्ञान और शक्ति प्रदान कर रही है। तो हम न केवल आज मुरली सुनेंगे, अपितु अपने मन को, बुद्धि को, स्वयं को उन स्थितियों के लिए तैयार भी करेंगे। तो भी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन, पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? जब तक आत्मा अंदर से मजबूत नहीं है, तब तक किसी भी सीन को ना देख पाती है, ना उसका सामना कर पाती है। तो अंदर की पावर किस आधार पर आएगी? उत्तर है, शरीर का भान निकालते जाओ। सुनते भी जाएंगे और शरीर का भान निकालते भी जाएंगे। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो, ब्रह्मा बाबा के तन से अलग हो, तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है, बस डिटैच, अंदर से एकदम डिटैच हो जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ रूहानी बच्चे हैं, परंतु सभी अपने अपने जिस्म के साथ हैं। बाप भी अभी जिस्म के साथ है, तभी तो बोल रहे हैं ना बाबा। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है ब्रह्मा रथ, बाबा का घोड़ा है, गाड़ी है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं, क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है? और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप के, ना? जीते जी मरना, ना? एक है जीवन जीने की कला, एक है मरने की कला। जीवन में रहते ना मर जाने की कला ये बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि और कोई सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। आधार क्या है? ज्ञान। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही
फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी ज़रूर बनना है, क्योंकि आधार है जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते, ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बनते, तब तक ये ज्ञान नहीं होता कि हम आत्मा रूप से शिव बाबा के बच्चे हैं। ये भाई भाई की दृष्टि नहीं आती। तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण ज़रूर बनना है, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं दुनिया में, ये सब उत्तम है ना, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। यहाँ कोई आत्मा उत्तम नहीं हो सकती, प्योर नहीं हो सकती। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो, वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, गंगा पतित पावनी है ये समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी पावन करने वाला है, यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, जहाँ जिसकी भावना श्रद्धा होती है, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं। परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, अगर हो जाते तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती, क्योंकि हर एक की किसी न किसी में तो भावना है ना, तो सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए, प्रैक्टिकल बात है ना। यह तो पुरानी रस्म चली आती है, परंपरा से ये सारे रिवाज चले आते हैं और वो भी निभाते रहते हैं। सागर में भी कितना किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे, सागर खुद ही इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इतना वाटर पॉल्यूशन हो चुका है, तो फिर वो वाटर जो खुद ही पॉल्यूटेड है वो आपको पावन कैसे बनाएगा। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो कौन चाहिए, पानी नहीं चाहिए, इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए, वो है पतित पावन। तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में, बिल्कुल क्लियर कट समझाना है, गहराई से समझाना है, लॉजिकल समझाना है उन्हें, तो समझ आएगा कि पावन सतयुग में होते हैं और पतित कलयुग में होते हैं। अभी तुम बीच में हो ना, संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं, हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजापिता सारी दुनिया, इन सब बच्चों का जो पिता है वो कौन है, एक ब्रह्मा बाबा और फिर शिव बाबा, आत्माओं का शिव बाबा और फिर जीव आत्माओं का ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, सारी दुनिया। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, सब बच्चों का पिता, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया, ज़रूर वह था, फिर कहाँ गया, था फिर कहाँ चला गया। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, कोई भी मनुष्य आत्मा थी कहाँ चली गई, कहीं और नहीं गई, पुनर्जन्म में आ गई।
यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज तो समझाया है ना, ये वंडरफुल राज शिव बाबा ने आकर समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा, जब कहा जगत अम्बा तो फिर सारे जगत की माँ हुई ना, तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। जो सारे जग की माँ है उसको कोई नहीं जानता है। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंचे ते ऊंच, जो क्रिएटर है वो है ऊंचे ते ऊंच। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर है शिव बाबा फिर उल्टा झाड़, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े, किस लिए? तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। किस लिए आए हैं बाबा? हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र का राज है ना, ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। कितनी सारी बातें हैं जो केवल हम बाबा के बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने ना, हम एक्टर हैं, इस ड्रामा के जो मुख्य एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, है ना, रचता रचना के आदि मध्य अंत को हम अगर नहीं जानते तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, याद आता है सबको, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूँ। पक्का हो जाए ड्रामा अच्छी तरह। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है, अंतकाल जो फलाना सिमरे, जिसको याद करेंगे उसी अनुसार उस योनि में चले जाएंगे, उनके साथ ही उस अनुसार आपको जन्म मिलेगा। तो अंतकाल जो फलाना सिमरे, वलवल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए ना, फिर घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कूकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। बाबा ने क्लियर कट बताया है कि हम अपने भिन्न भिन्न जन्म अपने अपने कर्मों अनुसार प्राप्त करते हैं, परंतु मनुष्य योनि में ही प्राप्त करते हैं ना, किसी और योनि में मनुष्य आत्मा प्रविष्ट नहीं होती है। तो इसीलिए कोई कुकर सूकर कुत्ते बिल्ली में नहीं आते हैं। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जाना सके। एक बारी
ये ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाए फिर विकारों में नहीं जाना होता। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं, जो स्थूल राखी होती है वो नहीं बंधवाते हैं। ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। ये जो प्रतिज्ञा करते हैं हम, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, इस प्रतिज्ञा का ही सूचक है वो सूत्र। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, बाबा के टाइम कई बाबा के बच्चे ब्लड से लिख कर देते थे। कोई कैसे लिखते हैं? बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, किसके लिए? हमारे लिए। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो परम धाम से। हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर अवतरित होती हैं, शुरू में आते हैं। ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने, यह तुम समझते हो। यह दुख और सुख का खेल है, पहले सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख। तो ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं प्रैक्टिकली, तीन चौथाई से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो ना। एंड में अभी कलयुग अंत में इतना दुख होता है थोड़ा, अदरवाइज़ द्वापर युग में भी आत्माओं को कोई ऐसा दुख नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम तीन चौथाई से भी जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, ऐसा थोड़ी ना कि द्वापर में आते गरीब हो गए। नहीं, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है, जब बहुत तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, एक की पूजा करते थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। आत्मा को स्मृति आ जाती है ना कहीं अंदर ही, ये दबी हुई स्मृति होती है कि ये शिव बाबा ने मुझे ना फिर से पावन बनाया था, फिर से सुखी बनाया था। तो फिर ऑटोमेटिकली हम शिवलिंग की पूजा करना आरंभ कर देते हैं। तो आत्मा पवित्र थी ना, तभी तो उस समय भी इतनी अपवित्र नहीं बनी थी कि वो स्मृति फिर से आ गई, बुद्धि के अंदर वही चित्र आया। तो बाबा ने कहा कि तो जो बाबा तुमको सुख धाम ले जाते हैं, देवता बनाते हैं, उनकी तुम पूजा करते थे, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गई ना भक्ति, अभी तो पांच भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं, गुरुओं की, महात्माओं की, मनुष्य आत्माओं की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं चैतन्य की भी, तो जड़ की भी पूजा करते हैं, है ना? पांच तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, यह यानी दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि, ये भी तो योग है ना, साधना है ना। सब कुछ किया, हठ योग सब किया, आखरीन क्या किया? आखरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े। वह धंधा करें या यह धंधा करें, फिर बुद्धि कहती है कि क्या करें, है ना? पिनकी यानी सुस्ती आती रहती थी,
तंग हो जाता था, है ना, भक्ति करते करते भी सुस्ती आ जाती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है, उस समय थोड़ी ना मालूम पड़ता है, भावना से श्रद्धा से करते जाते हैं, बस उस समय पता नहीं चलता कि हम भक्ति मार्ग में हैं। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? परंपरा वो तो शुरू ही सतयुग आदि से ना, तो सतयुग में तो भक्ति थी ही नहीं। मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेगा मूढ़ बुद्धि है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर वन जो सुंदर था, ये आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा को देखकर बाबा कह रहे हैं कि यही जो नंबर वन सुंदर था वही अब श्याम बन गया है, है ना। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ, क्या सिखलाने, क्या सिखलाने, जीते जी मरना। क्या सीख रहे हैं हम? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। कैसे मरेंगे? प्योर होकर। बहुत बारी मरे परंतु उस समय किसी ने ऐसे नहीं कहा कि तुमको प्योर होकर मरना है, पवित्र होकर मरना है। लेकिन अब कलयुग का ये अंतिम जन्म, अंतिम शरीर है, इस शरीर में रहकर मुझ आत्मा को पावन बनना है, फिर इसे छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है, तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, और कोई ऐसे नहीं कहते। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं भक्ति में। जो भी साधु सन्यासी है ना, घर बार छोड़कर कंदराओं में जाकर तपस्या करते थे, तो लक्ष्य एक ही रहता था, मुक्ति धाम में जाना, है ना, मुक्ति को प्राप्त करना। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, जीवन मुक्ति के लिए। वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, तुम जानते हो हम पवित्र हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, है ना। वो तो क्या करते हैं, अपना घर बार छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम आत्माएं वो थी जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए पावन रहती थी, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते हैं वही यज्ञ करते हैं, वही तप करते हैं, वही दान करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं, सब कुछ भी जानते हैं और सबको भी जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। वंडरफुल है ना बाबा की पढ़ाई, अभी तो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं, है ना। कब से बिछड़े थे हम बाबा से, परम धाम से बिछड़े, और फिर कहाँ आकर मिले, है ना।
बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में, कितनी बड़ी बात है, है ना? बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बना कर ले जाते हैं, पवित्र बना कर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, क्या कहती थी? बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं, ना एक मेरा गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ऐसे कहते हैं ना। नंबरवार तो है ही, बाकी तो भक्तों में भी नंबरवार होते हैं ना, सबका अपना अपना पार्ट है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता, रोना होना तो बहुत दूर की बात है, शब्द भी नहीं है रोना। यहाँ तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? स्वर्ग में चला गया, कहते ना कोई शरीर छोड़ जाता है तो कहते स्वर्गवासी हो, अब जब स्वर्ग चला गया तो रोने की क्या ज़रूरत है, है ना? फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए, स्वर्ग में गया है ना, वहाँ तो बाजा बजाते हैं। सतयुग में जब शरीर छोड़ते हैं तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है, अभी भी कोई बहुत एज के बाद शरीर छोड़ते हैं ना, तो फिर बाजा बजाते हैं। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। अभी तो हम क्या कहते हैं कि अभी हमें कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, मुक्ति धाम जाना है, परंतु सतयुग में एक बार आ गए फिर तो पुनर्जन्म ही लेना है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणियाँ हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो, वो आत्माएं जो विकारों में गोते खा रही थी उनको लेकर आते हैं और उन्हें ज्ञान की भू भू करते हैं और आप समान बना देते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं, इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बिल्कुल बाबा जी से ड्रिल करा रहे हैं, देह को भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अल्फ और बे, यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ यह छीछी शरीर नहीं रहता है, अभी तो यह बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत शरीर हो गया है। बाबा वैराग्य दिलाते हैं इस दुनिया से, इस देह से, अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो। बिल्कुल बाबा सोल कॉन्शियस हमें बनाते हैं, मैं भी आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो, मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ, डिटैचमेंट। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, ये प्रैक्टिस है, बहुत गहरी प्रैक्टिस। बिल्कुल बॉडी में रहते मैं आत्मा अलग, और ये पंच तत्वों का शरीर
मुझसे बिल्कुल अलग। अब घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। यह भी जानते हो अभी विनाश होना है, भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। भारत में इतने सारे धर्म हैं तो ये सब तो होगा। यह पिछाड़ी का मौत है, पाकिस्तान में क्या क्या होता था विभाजन के समय, सच में खूने नाहे खेल हुआ, बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए, हम तो सुनते भी हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, हर सीन को देखने के लिए बाबा हमें तैयार करते हैं, तो पहले से ही रेडी, शरीर का भान भी निकाल देते हैं, तो देह भान भी नहीं होगा तो कुछ भी होता रहे आपको उस चीज़ का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है, घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, बार बार योग योग कहते हैं ना तो योग कठिन लगता है। बाबा क्या कहते हैं, याद करो, याद करने की तो आदत है ना आत्मा को, तो विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। किसी से कुछ लेना होता है हाँ तो उसको भूलते थोड़ी ना है। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि भक्ति में जब बुद्धि कहीं इधर उधर चली जाती थी तो अपने को ऐसे चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, पतित और पावन बनती है, बाकी ऐसे नहीं कि पहले छोटी थी फिर बड़ी हो जाती है, यानी निर्लेप नहीं है आत्मा। अच्छा रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपने आप से बातें करो। क्या बातें करेंगे, ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर। संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सफलता तक कब मिलेगी, स्वच्छ कब बनेंगे, जब जो बीती हुई बातों को भी समाप्त करेंगे और वृत्तियों को भी समाप्त करेंगे। भावनाएं रह जाती हैं अंदर, कुछ ना कुछ जो वृत्तियों के अंदर उनके वाइब्रेशंस रह जाते हैं वो भी ख़त्म, बिल्कुल इतने प्योर हो जाए किसी भी पुरानी बात का अंश और वंश ना रहे।
सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म। क्या? स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। चेक करो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना। इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती, इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। मन में किसी के प्रति कुछ भी गिला शिकवा ना रहे। स्लोगन है, जो स्व परिवर्तन करता है, जो स्व परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ती है। इसलिए दूसरों को देखने की, सुनने की आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो। तो आज क्या अभ्यास करेंगे? जीते जी मरने का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास अंत समय में भी काम आएगा और अभी भी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने में भी काम आएगा। जैसे आज बाबा ने विशेष प्रैक्टिस कराई, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, ये देह अलग है, आत्मा अलग है, अब मुझे अपने घर जाना है, परम धाम जाना है। ये शरीर तमो प्रधान है, जड़ जड़ी भूत है, इसको छोड़ना है। ये तमो प्रधान है, जाने वाला है, विनाशी है, मुझसे बिल्कुल अलग है। बार 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 इसका अभ्यास करते जाएंगे और जैसे शरीर में होते हुए शरीर से अलग आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
जिंदगी।